हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमिनिन आपकी लिटिल फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी और बहुत सारी ब्लेसिंग जो डिवाइन की तरफ से आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है, जो कि बहुत ही मैं कहूँ तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन होने वाली है, जिस चीज़ का आपने कभी सोचा वह नहीं था। ऐसी पावर्स आपको दी गई हैं, ये जो फोर नाइट की जो नाइट कही है, इतनी सारी ब्लेसिंग जो कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब जहाँ जहाँ आपकी कमियाँ थी उनको पूरा किया गया, वो चीज़ें सरफेस की गई, जहाँ पे आपको हिडन इशू आपकी सरफेस किए गए और आपने वर्क किया। अगर आपने वर्क किया है तो आपको रिजल्ट भी मिलना तय था, तो वो जो रिजल्ट वो मिला आपको स्ट्रेंथ, इतनी स्ट्रेंथ कि अब आप किसी भी चीज़ में डरेंगे नहीं, और वो आपका ट्रांसफॉर्मेशन जो चल रहा था वो ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इतनी अच्छी ब्लेसिंग। और नाइट में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हुई हैं जहाँ जहाँ आपके फियर आपके यूनियन को लेके हो रहे थे, मतलब कि आप हो सकता है कि एज अ किसी ट्विन भी, मतलब कि एज अ किसी अदर पर्सन के साथ मैरिड में थे और आपको लग रहा था कि यार, या ये कह लो किसी थर्ड पार्टी, कोई भी कर्मा से रिलेटेड, मतलब आपके कार्मिक जो आपके साथ इतने टाइम से रह रहे थे और आप चाह रहे थे कि भी कैसे इन लोगों से मतलब कि बैलेंस किया जाए, तो वो टाइम अब आ चुका है कि आपको डिवाइन ही ऐसी स्ट्रेंथ दे देगा कि आप अब दोनों चीज़ों को 3D और 5D को बड़े अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और अपनी लाइफ में बैलेंस करते हुए दोनों, एक यूनियन और बैलेंसिंग, ये दोनों आपको स्ट्रेंथ गेन मिलेगी। मतलब इतनी स्ट्रेंथ आ चुकी है कि अब दोनों किसी भी चीज़ फील्ड में अब हार नहीं मानेंगे। जिस चीज़ को आप लेट गो करते, मतलब आ रहे थे काफ़ी टाइम से कि ठीक है एक मैनेज करके चल रहे हैं, वो मैनेज आप वो ट्रांसपोर्ट में चेंज हो गया है। ठीक है, अभी बिग शिफ्ट आ रहे थे बीच में, बार बार अप डाउन चल रहे थे, नहीं समझ आ रहा था क्या करना चाहिए, किस चीज़ को लेके आगे बढ़ा जाए। वो जो आपको स्टेबिलिटी अब मिल चुकी है, आपको स्ट्रेंथ गेन हुई है, वो इस तरीके की है कि अब आप स्ट्रेंथ गेन करते हुए आगे बढ़ोगे, अपने पर्पस की तरफ बढ़ोगे और अपने 3D और 5D को बैलेंस करते हुए चलोगे। ठीक है जी, कुछ कर्मिक रिलेशनशिप है क्योंकि वो भी डिटैच किए जा रहे हैं, जो आपके ब्लॉकेज बने हुए थे वो खुद से ही डिटैच हो जाएंगे। ये यूनिवर्स का एक आपके लिए एक ब्लेसिंग है। ठीक है, जो यूनिवर्स की तरफ से ही उनका, उन्होंने आपका चार्ज जो था वो यूनिवर्स ने ले लिया था कि अब आपको वो वाले पैटर्न से निकाला जाए और एक आगे टाइम लाइन जंप करवाई जाए, जिसमें आपका डिमेंशन तो चेंज होगा लेकिन पावर भी चेंज कर दी जाएगी। ठीक है जी, तो इस टाइम बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो आपको, हो सकता है कि आपको इससे भी ज़्यादा आप इस चीज़ को फील कर पाएंगे। एक दो से तीन चार दिन के अंदर आप सोच भी नहीं सकते कि अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स कहाँ से आ रही हैं, या आपकी DM जो अभी तक नो कॉन्टैक्ट जोन में, तो वो कॉन्टैक्ट करेंगे, जिनका यूनियन रुका हुआ तो वो यूनियन होगा, जो आप सोच भी नहीं सकते थे ना, कभी सोचा ही नहीं था कि ये पॉसिबल है। अभी तक जो लोग चीज़ें मानते थे ना कि पॉसिबल नहीं हो सकता, वही पॉसिबिलिटी अब आपके सामने रख दी जाएंगी और आप हैरान होने वाले हैं ये एनर्जी अपडेट को सुनते हुए भी, और आपके साथ क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, मैनिफेस्ट कीजिए जो भी डिवाइन आप चाहते हो, जो भी अब भगवान की ब्लेसिंग है उनको सब कीजिए और मैनिफेस्ट कीजिए जो भी आप डिज़ायर रखते हो। डिज़ायर लेट गो कर दीजिए, डिज़ायर अपने आप कंप्लीट होगी। डिवाइन को चार्ज दे दीजिए, नहीं समझ आता है। ठीक है जी, तो फिलहाल यही मुझे अपडेट समझ आई है, और जिनके नो कॉन्टैक्ट हैं वो कॉन्टैक्ट में आने वाले हैं। ठीक है जी, अपने आप को पेशेंसली डिवाइन को सरेंडर कीजिए, जल्दी से जल्दी आपका यूनियन सक्सेस हो, मैं दुआ करती हूँ। और फिलहाल आपकी यही अपडेट थी, जैसे मुझे न्यू अपडेट मिलेगी मैं फिर से आपके सामने हाजिर होंगी। थैंक यू।